हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं रॉकी ज्ञान टेक। दोस्तों, पासपोर्ट नंबर से अपना वीज़ा कैसे चेक करेंगे कि आपका वीज़ा इशू हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत लोग इंटरव्यू देने के बाद इंतज़ार करते हैं कि वीज़ा अभी आया या नहीं आया। अपना ऑफिस या एजेंट के पास फ़ोन करके पूछते रहते हैं वीज़ा कब तक आएगा। बहुत एजेंट झूठ बोलकर पैसे का भी डिमांड कर लेते हैं। तो इन केस में आप अपना वीज़ा खुद से अपने मोबाइल में ही केवल अपने पासपोर्ट नंबर से ही चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा इशू हुआ है या नहीं। यदि वहीं पर आप अपना वीज़ा कॉपी भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अपने पासपोर्ट नंबर से अपना वीज़ा चेक करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाके टाइप कर लेना है visa.mofa.gov.sa। यह लिंक पूरा टाइप कर लेना है, उसके बाद सर्च कर लेना है, या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा वीज़ा प्लेटफॉर्म का। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे फाइंड एप्लीकेट डाटा में, यहाँ पर पासपोर्ट नंबर वाले बॉक्स में क्लिक करके आपको अपना पासपोर्ट नंबर टाइप कर लेना है। नीचे यहाँ करंट नेशनलिटी में क्लिक करके आप जिस भी कंट्री से हैं अपना नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वीज़ा टाइप में क्लिक करके आप कौन से वीज़े के लिए अप्लाई किया है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम नीचे यहाँ वर्क वीज़ा पे सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे यहाँ वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी में आप क्लिक करके आप कहाँ से वीज़ा के लिए अप्लाई किए हुए हैं, अथॉरिटी कहाँ पर है, यहाँ हम मुंबई चूज कर लेते हैं। इमेज कोड में क्लिक करके जो कैप्चा कोड दिया हुआ है सेम यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। बस इतना करते ही यहाँ पर आपका वीज़ा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल आपका निकल के आ गया। यह आपका वीज़ा कॉपी है। आप यहाँ से चाहें तो ऊपर में प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड, यदि आपने सऊदी कंट्री के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इस प्रकार से चेक करेंगे। यदि आपने दुबई कंट्री के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो अपना पासपोर्ट नंबर से चेक करने के लिए आपको गूगल में जाना है। यहाँ पर टाइप कर लेना है ICA स्मार्ट सर्विस, टाइप करके सर्च करेंगे, जो सबसे ऊपर में लिंक आ रहा है स्मार्ट सर्विसेज डॉट ICP.gov.as वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। यह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, यहाँ से भी क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। हमारे सामने नेक्स्ट पेज फेडरल अथॉरिटी का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पब्लिक सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ राइट में फाइल वैलिडिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ फाइल वैलिडिटी में सर्च बाई में आप यहाँ पर पासपोर्ट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे। नीचे सेलेक्ट द टाइप में यहाँ पर वीजा सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे यहाँ पासपोर्ट नंबर वाले बॉक्स में क्लिक करके अपना पासपोर्ट नंबर टाइप कर लेंगे। पासपोर्ट एक्सपायर डेट यहाँ पर टाइप कर लेंगे। नेशनलिटी यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, अपना कंट्री यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और नीचे सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका वीजे का स्टेटस यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर फाइल नंबर, यहाँ पर इमिग्रेशन फाइल नंबर, यहाँ पर स्टेटस वगैरह पूरा डिटेल यहाँ पर शो करेगा। यदि आपके पासपोर्ट पर वीजा इशू हुआ है तो यहाँ पर डिटेल निकल के आ जाएगा। यदि आपका वीजा नहीं इशू हुआ है तो रिकार्ड नॉट फंड बताएगा। उसी प्रकार यदि आपने कतर कंट्री के लिए वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो चेक करने के लिए आप यहां पर गूगल में जाएंगे, कतर वीजा सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहां पर लिंक के सबसे ऊपर में जो शो कर रहा है portal.moi.gov.qa इस वाले लिंक पे क्लिक कर लेंगे। यह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से भी क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, यहां पर नीचे वीजा सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पर वीजा इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग के ऑप्शन में देखेंगे। नीचे यहाँ पासपोर्ट नंबर वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नेशनलिटी पे क्लिक करके आप जिस भी कंट्री से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी कंट्री है, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है सेम है कैप्चा यहाँ पर टाइप करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वीजा नंबर इंफॉर्मेशन आपका निकल के आ जाएगा। यह आपका वीजा कॉपी है तो आपका पासपोर्ट पर यदि वीजा लगा रहेगा तो यहाँ पर शो करेगा, वरना रिकार्ड नॉट फंड शो करेगा। यहाँ पर आप ऊपर में प्रिंट वीजा पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट भी अपना मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं।
सो फ्रेंड, इस प्रकार आप अपना पासपोर्ट नंबर से आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं, आपके पासपोर्ट नंबर पर वीज़ा इशू हो गया है या नहीं। सो फ्रेंड, यदि यह तीन कंट्री का अभी हमने बताया, यदि अन्य कंट्री का आप जो जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और उस पर अन्य दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इनसे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।